पलिते में मूल अधिकार, क्या पराना है? मूल अधिकार पराना है। और भारतीय संविधान के भाग तीन में, भारतीय संविधान के किस में? भाग तीन में अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक चर्चा किसका है? मूल अधिकार का चर्चा है। भारतीय संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक चर्चा है मूल अधिकार का। ईस्वी है 1215 का। ईस्वी कब का है? 1215 ईस्वी का। 1215 ईस्वी में सबसे पहले मूल अधिकार समझते हैं, वही समझा रहे हैं। लिखिएगा तो नहीं समझ पाइएगा, नहीं तो लिखा तो ढेरी बुक में है, हम कितना बार समझाए, किताब में लिखा इससे अच्छा, अच्छा जितना हम पढ़ाएंगे इससे तीन गुना ज्यादा लिखा ढेरी किताब में जी। मूल अधिकार का चर्चा है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में। पहले इसको समझिए, मूल अधिकार क्या है। मूल मतलब होता है हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिकों को कुछ ना कुछ अधिकार है, सभी नागरिकों को अधिकार है। जैसे एक बात बताइए, मेरा मनवा आज 3 बजे वहां से चले आए यहां, हमको प्रशासन रोक सकती थी अथवा या नहीं? प्रशासन रोक सकती थी ना कि तुम नहीं जाओगे, काहे? ऐसे ही मेरा मन, सरकार का मन, समझ गए? हमको रोक सकती थी अथवा या नहीं? रोक सकती थी। अगर जैसे ही हमको रोकता भागलपुर आने से, मेरा अधिकार है पूरे के पूरे देश में कहीं भी घूमने का। हम कहीं भी रास्ते में रुक के कुछ भी खाना खा लेते हैं। हम आए, हम कोचिंग में पढ़ाने लगे, हम किसी से परमिशन लिए, सर ये, और स्टार्ट हो गया बैच। कोई सरकार से परमिशन जाके लिए, लाइसेंस जाके लिए? नहीं लिए। आप कहीं घूमते हैं, कपड़ा पहनते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, जीने का अधिकार है। कहीं भी जमीन खरीद लेते हैं, भागलपुर में भागलपुर, पटना में पटना, झारखंड में झारखंड, रांची में रांची, जहां से आपको कप लेना है जाके वहां आप जमीन खरीद सकते हैं, खर्च करते हैं और खरीद के घर बना के आप रहिए वहां। कोई रोकेगा आपको? कोई नहीं रोकेगा। तो आप जो इस देश में नागरिक है ना, मनुष्य है, तो आपका कुछ ना कुछ अधिकार है। एक होता है मानव अधिकार, एक होता है क्या? मानवाधिकार। इसी को मानव अधिकार को एक साथ लिख सकते हैं, मानवाधिकार, मानवाधिकार। और एक होता है मूल अधिकार, समझिएगा। कुछ नहीं अंतर है, समझिएगा सब है, नहीं तो फिर अनुच्छेद फैक्चुअल चीजें रख लीजिएगा। मानवाधिकार होता है और एक मूल अधिकार है। मानवाधिकार और मूल अधिकार में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? मानवाधिकार कहता है कि जैसे ही आपका इस धरती पे जन्म हुआ वैसे ही आपको मानव का कुछ ना कुछ अधिकार है इस पृथ्वी पे, मनुष्यों का अधिकार है। अगर मेरा जन्म हुआ इस पृथ्वी पे, जैसे ही आपका इस पृथ्वी पे जन्म हुआ तो आप क्या है? मानव है, और मेरा अधिकार है जीने का। आप देखते होंगे अगर नरेंद्र मोदी हमारे देश की सरकार है ना, नरेंद्र मोदी भी चाह के हमारे देश के लोगों को मरवा नहीं सकता है। मानवाधिकार आयोग है विश्व में, पुलिस प्रशासन कैदी को मार नहीं सकता है, पुलिस प्रशासन कैदी को मारेगा नहीं बेरहमी से। वो मनुष्य है, उसको जीने का क्या है? अधिकार है। क्राइम किया है तो उसको सजा दीजिए, मार दीजिएगा उसको, नहीं आपको मारने का अधिकार नहीं है। वो आदमी का अधिकार है, हमको जीने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, इस धरती पे रहने का अधिकार है। जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है 3 महीने से, जैसे ही बच्चे का गर्भ धारण हो जाता है ना, उसका मानवाधिकार लागू हो जाता है। जैसे ही बच्चे का गर्भ धारण हो और बच्चे में जीवन आ जाए, कहता है 3 मंथ के आई थिंक आते आते बच्चे का हृदय, समझ गए, मतलब उसमें जीवन आ जाता है। आप देखते होंगे डॉक्टर सब कहता है, समझ गए, जो होता है वो वाला अबॉर्शन वाला, समझ गए, कुछ दिनों तक आप करवा सकते हैं जब तक बच्चे का जन्म यानी जीवन आया नहीं है। अगर जीवन आ गया तो वो क्या है? हमारा कानूनन अपराध है। जैसे उस बच्चे का जीवन आया ना, आप अगर उसको मार दिए तो एक मनुष्य का हत्या की, और हत्या के बराबर सजा है उसका। अगर पकड़ा गए तो वो किसके बराबर सजा है? हत्या के बराबर सजा है। जैसे आप आम नागरिक को मारते, मर्डर करते, वैसे ही आप क्या किए? एक मनुष्य को मारे मानवाधिकार के अनुसार।
जैसे उसका गर्भ में धारण हुआ उसका कुछ न कुछ अधिकार है उस बच्चे का, उस बच्चे को अधिकार है सबसे पहले जीने का अधिकार है, उस बच्चे को पोषण का अधिकार है, खाना का अधिकार है। इसीलिए सरकार देखिएगा प्रसूति महिलाओं को पैसा देती है कि आप महीने महीने क्या कीजिए अच्छा पोषण लीजिए ताकि बच्चे को हर प्रकार का विटामिन हर प्रकार का चीज मिल सके। देती है सरकार क्या 1500 रुपया कुछ ऐसा करके देती है? देती है, देती है सरकार, सरकार ऐसा पैसा देती है, सरकार ऐसा पैसा देती है जैसे ही बच्चा जन्म भी होने के बाद सरकार उस महिला को पैसा देती है ताकि अगर महिला भोजन खाएगी अच्छे से तो बच्चे में भी पोषण जाएगा बेहतरीन। इसी वजह से ये सब अधिकार सरकार चाहेगी तो नहीं देगी, सरकार कैसे पैसा खर्चा करेगी इसके पीछे, सरकार को कहां पे पैसा रहा है? ऐसा ऐसा हजारों करोड़ चले जाता है इस चीज में, सरकार इस चीज में पैसा खर्चा करती है। इस सब चीज अधिकार कहां से आता है? मानवाधिकार से। कहता है मूल अधिकार उसको दिया जाता है इस धरती पे, जैसे ही आप मानव आए चाहे आप किसी भी देश के हैं आपको मानवाधिकार मिल जाएगा। लेकिन मूल अधिकार एक चीज है, एक पार्टिकुलर किसी देश के एक नागरिक है, देश ने जो आपको अधिकार दिया, किसने दिया अधिकार आपको? देश ने जो आपको अधिकार दिया वो आपका क्या है? मूल अधिकार है। और जैसे ही मानव प्रजाति में आपका जन्म हुआ और जो अधिकार आपको मिला मानव होने का वो अधिकार क्या है? मानवाधिकार है। और विश्व में एक संगठन है मानवाधिकार आयोग, 1948 में गठन हुआ था मानवाधिकार आयोग का, मानवाधिकार संस्था है। और यह संस्था का काम है देश में कहीं भी, विश्व में कहीं भी, देश क्या पूरे विश्व में कहीं भी अगर मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी मानव को मान लीजिए सरकार है अभी आर्मी उतार दे अपने बिहार में और बोलेगा सबको दुर्दरा के गोली मार दो, नरेंद्र मोदी कर सकता है ऐसा? तुरंत नरेंद्र मोदी पे चढ़ेगा कौन? मानवाधिकार आयोग विश्व का। आप इसको काहे मरवाए? मतलब आप मत समझिएगा ऐसा कि देश का जैसे अभी आंदोलन हुआ मारा सबको, हो सकता है फायरिंग करवा दे, फायरिंग जैसे करवाता अपने देश का सरकार उसी का था, हो सकता है किसी प्रकार का इंक्वायरी नहीं होने देता। लेकिन विश्व का जो मानवाधिकार आयोग है वो तो उस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है, वो तुरंत आएगा काहे मारा स्टूडेंट को, मारने का अधिकार है तुमको, उसको क्या है आंदोलन करने का अधिकार है, उसका अधिकार छीना जा रहा तुम मार कैसे दिया। इसीलिए न्यूज सबसे पहले जो भी सरकार बनती है सबसे पहले न्यूज, अब मानवाधिकार जानेगा कैसे? आप फोन कर पाइएगा नहीं। हर जिला में मानवाधिकार आयोग का एक एक संस्था है, उसका ब्रांच है, जैसे भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो मानवाधिकार पहुंचिए। ऐसे ही आपका एक डिपार्टमेंट है विजिलेंस डिपार्टमेंट, सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है पहुंचिए कहां? विजिलेंस डिपार्टमेंट। पुलिस आपका बात नहीं सुन रहा है विजिलेंस डिपार्टमेंट चाहिए। कोई भी सरकारी अफसर घुसखोरी कर रहा है विजिलेंस डिपार्टमेंट को फोन कीजिए, ऐसे ऐसे है, विजिलेंस डिपार्टमेंट आपके पास आएगी बोलेगी पैसा हम दे रहे हैं जाके उसको घुस दो, इसी तरह से वीडियो बना लो तब लो देखो कैसे सस्पेंड करते हैं। कोई पुलिस पकड़े आपसे कुछ मांगे सिर्फ इतना को बोलिएगा हम जानते हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट, समझ गए? वो आपसे सोच समझ के भिड़ेगा, याद रखिएगा। अगर आपको मार दिया सिर्फ प्रूफ रहना चाहिए आपके पास, कोई प्रूफ आप रखिएगा। और विजिलेंस डिपार्टमेंट किसी के अंडर काम नहीं करता है, कोई भी इधर एसडीएम अपने बिहार का ही एक एसडीएम था उसके घर पे छापा मारा, एसडीएम के घर में पिस्टल मिला था। सुनेंगे न्यूज? न्यूज नहीं सुनते हैं, करंट अफेयर नहीं देखते हैं? पिस्टल मिला था, पिस्टल रखा था, मारा विजिलेंस डिपार्टमेंट, रेड गया, नौकरी भी सब चीज जब्त भी हुआ। विजिलेंस डिपार्टमेंट सब चीज कर सकता है सब पे। विजिलेंस डिपार्टमेंट का है काम कि सब कोई देख रेख करना, देश का जितना भी सरकारी कर्मचारी है सही से काम कर रहा है या नहीं। तो मानवाधिकार है मानव के अधिकारों का रक्षा करता, और ये मूल अधिकार हमारा देश देता है और अपने नागरिकों को देता है। तो मूल अधिकार का ही चर्चा हमारे भारत में है भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35। और मूल अधिकार हम लिए हैं किस देश से? अमेरिका से। किस देश से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। जिस समय हमारा संविधान बना उस समय में 7 मूल अधिकार थे। कितने अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। और भारतीय संविधान का केम्मा संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन, केम्मा संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संपत्ति का अधिकार, कौन सा अधिकार?
संपत्ति का अधिकार क्या किया, मूल अधिकार से हटा के इसे कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया। बोला अगर कानून को, सरकार को अगर जरूरत पड़ा आपके संपत्ति का, तो संपत्ति के अधिकार को सरकार क्या कर सकती है, ले सकती है। तो आपका कितने प्रकार के मूल अधिकार है, छह प्रकार के। सबसे पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार का बात करता अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। समानता के बाद दूसरा आता है कौन सा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। स्वतंत्रता के बाद तीसरा आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के सब पढ़ाएंगे एक एक, समझ गए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है अनुच्छेद 23 और 24। उसके बाद आता है चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का चर्चा अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। उसके बाद पांचवा आता है आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार का चर्चा अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। उसके बाद छठा आपका है संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार का चर्चा किस में था, अनुच्छेद 31 में। पढ़िए जी, आपको पढ़ा रहे हैं, अभी खत्म हो गया, बाद में बोल देंगे इसको हटा दिया और क्या। हम तो बोले मूल संविधान में कितना था, तो पहले सात को जानिएगा कौन कहा था, कैसे कैसे था, किस अनुच्छेद में था। अनुच्छेद 31 बताए थे, अभी कौन अनुच्छेद में था, नहीं है ना। आपसे पूछेगा मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार कौन अनुच्छेद में था, तब जरूरी है ना 31। बीच में कहिएगा सर 31 बीच में गायब कर दिए, कहां से गायब कर दिए बताइए, तो बीच में बताएंगे नहीं, है ना, इसीलिए बता दिए। अब सातवां है संवैधानिक उपचार का अधिकार। सातवां क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार का चर्चा है किसमें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में। मेरे लिए जरूरत यही है, बोलिएगा तो हम 12 पढ़ाएंगे, 13 पढ़ाएंगे, 3300 पढ़ाएंगे, 3400 पढ़ाएंगे और 3500 पढ़ा देंगे, समझ गए। लेकिन मेरे अनुसार आपके लिए जरूरत यही है 12 से 32, 14 से 32 चर्चा कर देंगे क्लास में, सिर्फ बोल देंगे, ठीक बोल देंगे, समझ जाइएगा, लेकिन मन में रहता है। चलिए, भारतीय संविधान में मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे, सात। छठा जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हटा दिया गया, और हटा के इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। संपत्ति का अधिकार 1978 कहते हैं 1978, 76 में 42वां हुआ है ना जी, 42वां, और 78 में हुआ है 44वां, ये होगा, समझ गए। 44वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन, और आपका जनता पार्टी की सरकार की थी, मोरारजी देसाई उस समय में क्या हुआ करते थे, प्रधानमंत्री। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार क्या किया गया, आपका हटा दिया गया, किस अनुच्छेद से, 31 से। और 31 से हटा के कहां रखा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के क में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के क में रख के इसको क्या बनाया गया, कानूनी अधिकार। इसको बोला कि अगर सरकार को आपकी संपत्ति का जरूरत पड़ेगा, या कोई भी संपत्ति आपका घरे का जरूरत पड़ेगा ना, सरकार आपके घर को तोड़ के क्या करेगा, गिरा देगा, गिरा के आपको उचित मुआवजा देगा। और अगर आपका घर तोड़ देगा, आप कहिएगा नहीं हमको घर बना के दो, वैसा शहर में बना के दो जैसा शहर में मेरा था, वैसे शहर में आपको बना के देगा, थोड़ा मोड़ा 19-20 तो मैनेज कीजिएगा ही। ये जो था ना संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार था, कहता है मूल अधिकार में अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये जितना अधिकार है सब रक्षा का, सब समझाएंगे कि क्या है समानता का अधिकार, क्या है स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या है धार्मिक। आप लोग धर्म कोई भी मान लीजिए, आज मेरा मन होगा ईसाई धर्म कबूल करने को, कोई रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। आप कर लीजिए इस्लाम धर्म, आप कर लीजिए सनातन धर्म, आपको कोई रोकेगा,
कोई नहीं रोकेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आपका मन होता है, आप एगो डीजे लेते हैं, तलवार लेते हैं, भाला लेते हैं, जय श्री राम करते हुए पूरा का पूरा भागलपुर बंद करवा देते हैं, करवाते हैं ना। धार्मिक प्रबंध करने का इसका मतलब आपको अधिकार है। धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का आपको क्या है, अधिकार है। तो सिंपल सी बात है, इस सब अधिकार आपको कौन सा अनुच्छेद देता है, इस सब देता है। इसी को हम पढ़ेंगे मूल अधिकार में। तो कल से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे भा ये 1, 2, 3, 4 और 5, फिर पढ़ेंगे डायरेक्ट 7 मूल अधिकार समाप्त। कल कम से कम कोशिश करेंगे आपका 3 को खत्म कर दे, समझ गए, प्रयास करेंगे आपका 3 खत्म कर दे। फिर अगला दिन आपका 3 हो जाएगा, आपका 6 दिन में हो जाएगा, 6 दिन करते हैं 2 से 3 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। सबसे बड़ा सेक्शन है, समझ गए, बाकी पिछला याद होगा ही।